हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का पिछले स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे, आपके बीवी बच्चों को आशीष दे। आज हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं नाइट प्रेयर। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सब पिता से बताएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं छिपाएंगे, कुछ भी रख नहीं छोड़ेंगे, सब पिता से बताएंगे। अपनी समस्याओं को, अपनी गरीबी को, अपनी घटी को, अपने दुखों को पिता से शेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। पिता हमारा महान है, पिता हमारे दुखों को देखता है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो मेरे प्रिय, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे मेरे प्रिय, ठीक है। आप पिता से प्रेम करते हैं तो आपको पिता की आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा मेरे प्रिय, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से या इस पेड़ से कह देगा उस स्थान पर चला जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेगा, ठीक है मेरे प्रियो। तो अपने आँखों को बंद करिए, अपने सर को झुकाइए और अपने घुटने टेक कर बैठ जाइए और अपने को दीन करिए, ठीक है। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु की प्रभु मेरे पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हम सबों को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ज्योतों के बीच में मेरे पिता जीवित रखा है, मेरे पिता संभाल के रखा है यीशु पापा, सुरक्षित रखा है यीशु पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। पिता कितने तो होंगे, मनुष्य होंगे, जाति लोग होंगे, सांसारिक लोग होंगे पिता, मर गए होंगे पिता, वे नर्क में चले गए होंगे पिता, जहाँ का धुआं युगान युग उठता रहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सबको बचा लिया है, छिपा लिया है यीशु राजा। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु पापा। मेरे पिता होने दे मेरे स्वामी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बीमार है मेरे पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है मेरे पिता, जो नहीं ठीक हो रहे मेरे पिता, जो तमाम इलाज करा चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई कैंसर में, कोई ब्लड कैंसर में, ट्यूमरों में है, रसोलियों में, गिल्टियों में, दस्त में, बुखार में है पिता, नाना प्रकार की बीमारी में, घातक खतरनाक खतरनाक जानलेवा बीमारियों में ग्रस्त है मेरे पिता। पिता उन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस कर दीजिए पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए हर एक जन मेरे पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार है मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में जूझ रहे पिता, जो आखिरी सांस ले रहे मेरे पिता, जो पड़े हैं पिता, जो बेड पे पड़े हैं मेरे पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुने, पूरे विश्वास के साथ सुने रहे पिता, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता, उन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी। वे बेड छोड़कर उठकर बैठने पाए पिता, ये समस्या आपके नाम से चंगे होने पाए, चंगे हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवादेशु, 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 धन्यवादेशु। पवित्र पवित्र आप राजाओं के राज्य हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे यीशु मसीह पिता, जो गरीब है, जो दुखों में, जो लाचार है, जो कमाने वाले नहीं मेरे पिता, उन्हें अच्छा सा बिजनेस दीजिए, नौकरी धंधा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता वे अन्य जातियों के आगे हाथ ना फैलाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वे अन्य जातियों के आगे हाथ ना फैलाने पाए पिता, वे 100-200 रुपये पर पिता इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए, अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ना करने पाए मेरे पिता। मेरे पिता ये सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इन्हें बचा लीजिए मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे पिता। मेरे पिता इनके घरों के ऊपर आशीष उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए मसीह पिता। ये उधार मांगने ले नहीं मेरे पिता, ये बहुतेरी जातियों को उधार देने बन सके मेरे पिता। पिता इनके घरों के ऊपर झरोखे खुल जाए, स्वर्ग के आशीष झरोखे खुल जाए पिता। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि मेरे पिता। आपने कहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूँ कि तुम्हारी क्या हो सकता है मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपने कहा है पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी, मुफ्त में दे दी जाएंगी मेरे पिता। यश मेरे पिता परमेश्वर, यश हालेलुया, यश हालेलुया। मेरे पिता आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधि हैं, आप राजाओं के राजा मेरे पिता। आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, कोढ़िये पाजों को सुधि किया, महान आश्चर्य का मजबूत काम करने लिए यहोवा जुलाओ रहे मेरे पिता। मेरे पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता, पूरे विश्वास के साथ सुन रहे मेरे पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता, उनके घरों से वो दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए,
पिता जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर किसी बात को लेकर, मेरे पिता उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए, उनका रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए पवित्र आत्मा जी। यू टच मी पवित्र आत्मा जी, ब्लेस हो जाए, वो दुख दूर हो जाए, इनका सुख आनंद में बदलने पाए, इनकी उनकी उदासी आनंद में बदलने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी वो स्वर की ब्लेसिंग छू ले, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, हर एक जन को छू लीजिए, वे ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, आपने अंधों को दृष्टि दिया है यीशु पापा, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन और गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता ना समझता है मेरे पिता, इसलिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा नहीं बंद हो रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता, और पिता लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करें मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए पति पत्नियों का मेरे पिता, वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे पिता। वचन कहता है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यस मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने कहा है, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिन मसीह भाई बहनों के लड़ाई घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता, कले है डा है मेरे पिता, इसरा है झगड़ा है क्रोध है डा है कुछ भी मेरे पिता है, मेरे पिता आपके नाम से लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए मेरे पिता, होने दे मेरे स्वामी। उनके लिए प्रार्थना करते जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं मेरे पिता, जो दुष्ट आत्मा लड़ा झगड़ा डालकर रखी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर, अपने घर में इस वीडियो को चलाकर रखे मेरे पिता आपके नाम से मेरे पिता, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाए मेरे पिता, इनका घर छोड़कर आजाद हो जाए और सब दूर खदेड़ दी जाए इस मसीह आपके नाम से पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता आपके नाम से दुष्ट आत्माएं का आपकी थतराती को सब दूर भागती मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिता, जिस प्रकार से आप पवित्र हो से ही पिता हम सबको भी पवित्र बनाइए पिता, क्योंकि पिता हम मनुष्य जाते हैं प्रभु, हम पाप में गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं पिता, मनुष्य निर्बल है कमजोर है मेरे पिता, उससे गुना पाप हो सकते हैं मेरे पिता। मेरे पिता आप ही के पास अधिकार है पिता, आप ही के पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को गुनाहों को धर्मों को ढाप सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। अपने लहू से आप शुद्ध करें मेरे पिता, आप अपने लहू से पवित्र कर दीजिए मेरे पिता, क्योंकि पिता आपका लहू बहुत ही कीमती है मेरे पिता, आपने अपना लहू बहाकर हम सभी को मोल खरीद लिया मेरे पिता। ओ लहू पिता, जिस लहू से हम सभी के पाप क्षमा हुए मेरे पिता, मेरे पिता आपने हम सबों से इतना प्रेम किया पिता कि आपने अपना कीमती रक्त बहाया कि हाथों पैर में किले ठुकवा लिया, कांटों का मुकुट सिर पर गुद कर रख दिया गया पिता, आपके मुंह पर थूका गया, 45 कोड़े लगवाए गए मेरे पिता, और पिता आपने क्रूस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए मेरे पिता, आपने हमारे खातिर पिता दुख साथ दर्द का हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया पिता, सारी मानव जात का बोझ पिता आपने अपने ऊपर लेकर चढ़ गए क्रूस पर, और पिता आपने क्षमा कर दिया, और पिता आपने कहा नहीं पिता माफ कर दिए, नहीं जानते क्या कर रहे मेरे पिता। मेरे पिता इन सबों को माफ कर मेरे पिता, वैसे भी पिता इन मसीह बहनों को भी माफ कर दे मेरे पिता, क्योंकि मनुष्य निर्बल पात्र है कमजोर है, वह गुनाह हो सकता है पाप में गिर सकता है मेरे पिता। होने दे मेरे स्वामी, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिनको डर लगता है भय लगता है गंदे सपने आते हैं ख्याल विचार आते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता जब ये लेटे पिता तब इन सुख की नींद आने पाए मेरे पिता, इनके चारपाई के पास आपके लहू का बड़ा बांध देते हैं मेरे पिता, आपके दूध का बड़ा बांध देते हैं पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। यास मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपके नाम से पुकारते हैं मेरे पिता। पिता इन सब मसीह बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, मुझे आशा है विश्वास है मेरे पिता आपने प्रार्थना को सुना है मेरे पिता, ये छोटी सी विनती आपके सामर्थ्य जुड़ा और नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।